पंछी। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। दोस्तों, अक्षय कुमार, अजय देवगन, कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह जैसे सितारों से सजी हुई फिल्म सूर्यवंशी का ट्रेलर आज लॉन्च किया जा चुका है। ट्रेलर ने लॉन्च होते ही लगातार सोशल मीडिया के ऊपर धमाल मचाना शुरू कर दिया। बहुत सारे रिकॉर्ड अभी तक यह तोड़ चुका है। आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको काफ़ी बड़े लेवल के एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, जिसका अंदाजा आप ट्रेलर से लगा सकते हैं। करीब 4 मिनट 16 सेकंड के ट्रेलर आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी तरह से एंटरटेन करता है और आपको बता देता है कि एक बहुत ही बड़े लेवल का धमाका बॉक्स ऑफिस के ऊपर होने वाला है। 24 मार्च के दिन ये फिल्म सिनेमाघर में दस्तक देगी और जितनी बड़े लेवल की उम्मीद है उससे भी कई ज़्यादा बड़े लेवल का धमाका यह करेगी। फिल्म का बजट है 120 करोड़ रुपया। ज़्यादातर पैसा फिल्म के एक्शन सीक्वेंस पर खर्च किया गया है, ऐसा ट्रेलर को देखने के बाद में महसूस होता है। फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही धमाकेदार है, काफ़ी शानदार एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलते हैं। बाइक के रेसिंग सीक्वेंस है, कार के सीक्वेंस है, इसके अलावा जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो भी सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स इसका सबसे बेहतरीन पार्ट होने वाला है, क्योंकि क्लाइमैक्स में आपको एक साथ 3 बड़े सुपरस्टार फाइट करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, फिल्म में बात करेगा विलेन की, तो विलेन के तौर पर यहाँ पर आपको गुलशन ग्रोवर, जय किशोर, निकिता नीर और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी का अंदाजा आप इसके ट्रेलर से ही लगा सकते हो कि मुंबई में बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं, ऐसी इंटेलिजेंस को खबर मिलती है और इन धमाकों को रोकने के लिए, इस हमले को रोकने के लिए अक्षय कुमार को काम पर लगाया जाता है। अब अक्षय कुमार धमाकों को रोक पाएंगे या नहीं, वो सारी बात आपको फिल्म में देखने को मिलेंगी। जब से इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ तभी से लोग उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और इसका ट्रेलर देखने के बाद एक्साइटमेंट आसमान पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म आराम से 300 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो कर ही लेगी और हो सकता है कि 350 करोड़ तक ये फिल्म आराम से पहुंच जाए। फिल्म के लिए फिलहाल कोई बड़ा कंपटीटर नहीं है, तो ऐसे में इस फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आराम से 450 करोड़ के आसपास में जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों, आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है, ट्रेलर के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।